हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के बारे में। प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान ऑलमोस्ट हर महिला को कभी न कभी तो कब्ज हो ही जाता है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन डायरेक्टली आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इनडायरेक्टली इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब आपको कब्ज होता है तो एक तो आपका मूड खराब हो जाता है, आपको पेट दर्द रहता है, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो जो भी हेल्दी डाइट आपने लेनी थी वो आप नहीं ले पाओगे, तो इनडायरेक्टली इससे बच्चे को नुकसान होता है। इससे छुटकारा पाना जरूरी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के पीछे क्या रीजन होते हैं, क्यों हमें प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी में फाइबर रिच फूड आपकी डाइट में ऐड नहीं कर रहे हो तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर आप पानी बहुत कम पीते हो तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप बहुत इनएक्टिव रहते हो, जैसे योगा एक्सरसाइज नहीं करते हो, वॉक नहीं करते हो, प्रेगनेंसी में बिल्कुल आप रेस्ट मोड पे हो, तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है। और प्रेगनेंसी में जो आपको आयरन की टेबलेट्स दी जाती है, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि इसी की वजह से हर महिला को कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन हाँ, कुछ महिला को ये आयरन की टेबलेट सूट नहीं करते हैं और इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा जो आप पेन किलर लेते हो, जो जैसे आपको बैक पेन हो गया या लेग पेन कर रहे हैं, इसके लिए आपके डॉक्टर ने आपको कोई पेन किलर दिए हैं, तो ये पेन किलर की वजह से भी कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और प्रेगनेंसी जैसे आपकी आगे बढ़ती है और आपका यूटेरस ग्रो होता रहता है, तो यूटेरस का जो पूरा प्रेशर होगा वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपके इंटेस्टाइन के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से भी आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको बाहर की चीजें, जंक फूड, स्पेशली मैदे से बनी चीजें तो आपको घर में बनाकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये जो मैदा होता है उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होते हैं, ये आपके पेट में जाकर के चिपक जाता है और आपके डाइजेशन को खराब करता है और आपका पेट साफ नहीं होता है। तो आपको मैदे से बनी चीजें, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपको घर में बनी चीजें, हेल्दी चीजें आपकी डाइट में ऐड करनी चाहिए। आपको फाइबर रिच फूड आपकी डाइट में ऐड करनी चाहिए। फाइबर्स क्या होते हैं? जो रेसे होते हैं, जैसे हम जो मैंगो खाते हैं उसमें जो रेसे होते हैं, यही है फाइबर। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपके पेट साफ होने में आपकी मदद करते हैं। तो आपको फाइबर रिच फूड आपकी डाइट में ऐड करनी है। वेजिटेबल्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप हरे पत्तीदार सब्जियां ले सकते हो, आप ब्रोकली ले सकते हो, आप हरी मटर ले सकते हो। फ्रूट्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सेब में भी फाइबर्स होते हैं, आप एक दो मात्रा में मैंगो ले सकते हो, आप नारंगी ले सकते हो, तो फ्रूट्स भी आपको आपकी डाइट में ऐड करने चाहिए। इसके अलावा अंकुरित दालें जो होती है उसमें भी कुछ मात्रा में डाइटरी फाइबर्स होते हैं, आपको खीरा जरूर से लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी आपको दिन भर में जरूर से पीना चाहिए। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके भी पी सकते हो। ज्यादा पानी पीने से आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन ठीक होने में मदद होगी। इसके अलावा आपको एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप कुछ योगा एक्सरसाइज जरूर से कर सकते हो, आप वॉक जरूर से कर सकते हो। दिन भर में एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आपको वॉक जरूर से करनी चाहिए। 1 घंटे के लिए आपको साथ में वॉक नहीं करनी है, जैसे 30 मिनट के लिए आप सुबह वॉक कर सकते हो, 30 मिनट के लिए फिर आप शाम में वॉक कर सकते हो। और ये 30 मिनट भी अगर आप एक साथ वॉक नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे 10-15 मिनट वॉक कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आराम कर लीजिए,
फिर से आप वॉक कर सकते हो। तो ऐसा करते हुए आपको दिन भर में एटलीस्ट 1 घंटे के लिए वॉक जरूर से करनी चाहिए, और आपको वज्रासन जरूर से करना चाहिए। जैसे दिन भर में अगर आप 4-5 मिनट के लिए भी वज्रासन करते हो तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। वज्रासन करने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। और वज्रासन आप कभी भी कर सकते हो, जैसे खाना खाने के पहले कर सकते हो, खाना खाने के दौरान भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। प्रेगनेंसी का चाहे 1st मंथ हो, 5th मंथ हो या 9th मंथ हो, कभी भी आप वज्रासन कर सकते हो। तो दिन भर में एटलीस्ट 4-5 मिनट के लिए वज्रासन अगर आप करते हो तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आपको गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपको मसालेदार चीजें नहीं लेनी चाहिए, आपको एक साथ में पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन भर खा सकती हो, और स्पेशली रात को सोने से पहले आपको हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिपेशन में आपकी मदद कर सकती है। और अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको कभी भी अपने मन से या ओवर द काउंटर जाकर के मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ होती है लेकिन बहुत सारी मेडिसिन अनसेफ भी होती है। तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको कोई स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं जिसे आपको आराम होगा। और एक बार मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आप आपकी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप वॉक वगैरह नहीं करते हो, तो आपको दोबारा से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना है, डाइट को इम्प्रूव करना है, एक्सरसाइज, वॉक, योगा करना है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye-bye.